सो वेलकम बैक टू द पर्ल इंस्टीट्यूट चैनल, और यहाँ पर है हमारा पार्ट 4 ऑफ द न्यूज़ वेबसाइट पोर्टल ट्यूटोरियल। अब इसमें हम बताएंगे आपको कि जो हमने कल कैटेगरी ऐड की थी, हमने यहाँ पे ऐड कैटेगरी का पोर्शन बनाया था, उसमें कैटेगरी ऐड करवा के डेटाबेस में स्टोर करवाती है। अब अगला सेक्शन क्या है हमारा, डिलीट और अपडेट सेक्शन। अब हमने इसको कैटेगरी को व्यू करना है, डिलीट करना है और अपडेट का सेक्शन बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे। सबसे पहले लेट्स से पेज वहाँ पर ही स्टोर करना जहाँ पर हमने ऑलरेडी रखा हुआ सारा कुछ, दैट विल बी व्यू कैटेगरी डॉट पी एच पी पेज बना लिया। अब इस पेज का डिज़ाइन भी एज इट इज़, जो हमारा ऐड कैटेगरी का पेज था उसको एज इट इज़ या इंडेक्स पेज को कॉपी कर लो, ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो आप आराम से इंडेक्स पेज कॉपी कर सकते हो। हम वहाँ पर चले जाते हैं हमारे वेबसाइट पर, सो दिस इज़ माई न्यूज़ वेबसाइट एडमिन, एंड यहाँ पर हमारा इंडेक्स पेज है, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लो ताकि ईजी डिज़ाइनिंग हो जाए। तो इंडेक्स पेज को हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया और यहाँ पे लिख लेते हैं व्यू कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूव कर दिया। एक और चीज़ करो, बाकी सारा कुछ क्लोज़ कर दो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि हम किस पेज में वर्किंग कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, काम किसी और पेज में करते हैं और जो रन करते हैं वो कोई और पेज होता है, तो एट टाइम्स कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो हमने व्यू कैटेगरी का पेज ओपन कर लिया, यहाँ पर हमारा ब्लैंक डिज़ाइन आ गया। अब इसमें हमें क्या बनाना है, जितनी भी कैटेगरीज ऐड की थी, जो भी कैटेगरी का डेटा ऐड किया था उसको हम व्यू करेंगे यहाँ पर, और मॉडिफिकेशन और डिलीशन का लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हमें इसमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, सो वी विल बी क्रिएटिंग अ टेबल फॉर दिस। इट्स अ टेबल एंड इट्स अ बॉर्डर्ड टेबल, ए सी एस क्लास है बूटस्ट्रैप की, उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम शो कराएंगे उसकी आईडी, कैटेगरी का नेम था, और ज़्यादा कुछ नहीं शो कराएंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पेज नहीं बनाना, हमें कम ही इसमें कंटेंट शो करवाना है, क्योंकि ऑलरेडी जो कैटेगरी का डेटा होगा वो तो हमें मेन पेज में मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ उतना ही शो करवाना है जितने से हमारा ही, मुझे ये पता चल रहा है या हमें ये पता चल रहा है कि एक्चुअली काम क्या हो रहा है। तो लेट्स गो फॉर दिस। सो देखते हैं क्या क्या है इस कैटेगरी में। सो यहाँ पर नेम है, इन्फो आ, टैग्स आ, डेट है, स्टेटस एंड पिक है। तो हम अभी फॉर द टाइमिंग नेम शो करवा लेते हैं और एक चीज़ शो करा लेते हैं, पिक शो करवा लेते हैं क्योंकि जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और तीसरा चीज़ है स्टेटस। ये तीन चीज़ें शो करवा लेंगे इस टाइम पे। तो हमें आईडी मैंडेटरी, नेम, ठीक है, आईडी भी अपना ही शो करवाओ क्योंकि वो हमें यूज़ करनी है। सो लेट्स से पहले नेम हो गया, देन हमें चाहिए पिक, एंड देन हमें चाहिए स्टेटस, ठीक है। और इसके साथ दो एरिया चाहिए, एक्चुअल तीन एरिया चाहिए, एक होगा डिलीट का, एक बटन होगा हमारा अपडेट का, और एक होगा ऐड न्यूज़। तो ये सारे काम इसी में हो जाएंगे हमारे, ठीक है। सो नेम, पिक, स्टेटस, डिलीट, अपडेट एंड ऐड न्यूज़, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लो और पेस्ट करो, दो तीन बार पेस्ट कर लो ताकि आपको एक्चुअल व्यू मिल जाए कि व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट। तो ये हो गया नेम, पिक, स्टेटस, डिलीट एंड अपडेट, ये ऐसा हमारा व्यू होगा, ठीक है। अब फिर से इसको फालतू जो डेटा एक्स्ट्रा रिमूव कर लो, हमें सिर्फ एक ही चाहिए, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे, जैसे हेडिंग एरिया, ठीक है। तो कल को इसकी जो सी एस एस फाइल हम बनाएंगे तो उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेंगे ताकि इनमें जो भी कंटेंट हो थोड़ा सा बोल्ड दिखे। और आगे हमें एक रो क्रिएट करनी है, एक्चुअल में बहुत सारी रोज क्रिएट करनी है, तो रो जो भी क्रिएट होगी हमारी वो टेबल बॉडी में क्रिएट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक पी एच पी एरिया बनाएंगे जिसमें सारा का सारा डेटा शो होगा, अभी रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, अब एक पेज बनाना है डेटा पेज। तो ऐसे जैसे ऐड कैटेगरी डेटा बनाया था, ऐसे व्यू कैटेगरी डेटा डॉट पी एच पी पेज बना लो। इसमें भी आप एक काम करना है, जो हमारा कनेक्शन है ना वो हर पेज में चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप टॉप हेडर में जाकर कनेक्शन इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो टॉप हेडर में हम चले गए, यहाँ पर हम लेट्स से टाइटल के ही अबव कनेक्शन इंक्लूड कर लेते हैं ताकि बार बार हमें कनेक्शन इंक्लूड ना करना पड़े, क्योंकि डेटाबेस के साथ काम करना है तो कनेक्शन मैंडेटरी है। सो कनेक्ट डॉट पी एच पी हमारी फाइल थी तो उसको हमने इंक्लूड कर लिया। अब क्या होगा, जो व्यू कैटेगरी का पेज होगा, अब इसमें क्या होगा, कनेक्शन इंक्लूडेड है, हम सीधा ही डायरेक्टली क्वेरी लगा सकते हैं हमारी जिससे डेटा फेच कर सके। सो वी विल बी यूजिंग द क्वेरी एज अ डेटाबेस पे हम चलाएंगे एक क्वेरी जो क्या करेगी, फेच करेगी डेटा। सो सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल,
एवरीथिंग की बजाय हम करते हैं आईडी, नेम, टिक एंड स्टेटस जो चाहिए मेनली फ्रॉम टेबल कैटेगरी एंड ऑर्डर बाय डेटेड डिसेंडिंग, क्योंकि हम जो भी करंट सबसे लेटेस्ट होगी वो ऊपर शो कराएंगे, आईडी के हिसाब से भी लें तो भी चल जाएगा हमारा। सो हमने क्या किया, एक क्वेरी चलाई डेटाबेस पर, क्या सिलेक्ट आईडी, नेम, पिक एंड स्टेटस, जो हमें चार कॉलम चाहिए थे वही शो करवाने हैं, ज़्यादा डेटा चाहिए नहीं, इसलिए मैंने स्टार नहीं यूज़ किया। किससे चाहिए, टेबल कैटेगरी से। तो टेबल कैटेगरी में आप देख लो क्या क्या, आईडी, नेम, स्टेटस एंड पिक, ये चीज़ें चाहिए, तो हमने यही चीज़ें कॉल कर ली। अब इनको हमने रिजल्ट देना है इसका, सो द रिजल्ट विल बी सो हमने जो भी डेटा हमारा आया उसको फेच कर लिया एसोसिएटेड एरे के साथ। अब जो भी डेटा है ऑलरेडी किसमें है, रिजल्ट में, इसमें, तो हम इसको अगर फॉर द टाइमिंग प्रिंट आर करके देखते हैं तो पता चल जाएगा एक्चुअली क्या है इसमें। सो लेट्स प्रिंट दिस, और रिजल्ट शो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा इस पेज में। सो फॉर द टाइमिंग हमें यहाँ पर क्या करते हैं, टॉप हेडर के नीचे ही इसको शो करवा लेते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ फॉर द टाइमिंग इंक्लूड कर रहा हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए आपको कि ये क्या काम हो रहा है यहाँ पे। सो व्यू कैटेगरी डेटा डॉट पी एच पी, सो दिस विल बी द पेज। अब हम रीलोड करके चेक करते हैं कि क्या आ रहा है इसमें, देयर इज सम एरर, लेट्स चेक दिस आउट। सो द एरर वाज आई थिंक दो बार हमारा हो गया था, तो लेट्स रीलोड अगेन। तो ये देखो हमारे पास क्या है, एक एरे है, उसके अंदर एक और एरे है जिसकी आईडी है, नेम है, पिक और स्टेटस है, तो ठीक है, तो इसमें दो टोटल वैल्यूज है। अब इसको शो करवाना है एक प्रॉपर फॉर्मेट में, तो इसके लिए हमें लगेगा एक प्रॉपर लूप बनाना पड़ेगा। तो लूप में क्या करेंगे, लेट्स सपोज डेटा हमारा एक स्ट्रिंग है फॉर द टाइमिंग, और इसमें हमने क्या किया, लेंथ लेंगे हम इस एरे की, ये एक एरे है, सो साइज ऑफ दिस रिजल्ट्स, तो क्योंकि लूप चलाना है तो रिजल्ट का जो भी साइज आ गया, एरे का साइज होता है, तो वो बनी हमारी लेंथ, तो उसका लूप चलाएंगे। फॉर x इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स लेस देन द लेंथ एंड x प्लस प्लस, ये हमारा लूप चल गया। अब जो भी वैल्यू आएगी वो किस में चाहिए, हमने डेटा में चाहिए, तो डेटा को हम क्या करेंगे, कंकैटिनेट कर लेंगे। सो डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पे डॉट लगा लेना ताकि कंकैटिनेशन चलती रहे, और एक फॉर्मेट बनाना। अब फॉर्मेट हमारा क्या है, जो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, इसको एज इट इज कॉपी कर लो और यहाँ पर पेस्ट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, ये डबल कोट्स बाहर है और यहाँ पे डबल कोट्स है, इसको रिप्लेस कर लो सिंगल कोट्स में, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर दिस, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट ही कर लो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट। सो लेट्स गो फॉर दिस, ठीक है, तो हमारा डेटा बन गया। अब लूप में क्या होगा, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार डेटा कंकैटिनेट होगा इस डेटा वेरिएबल में। और अब कैसे करेंगे, अब जो वैल्यूज है यहाँ पर हमने ये दे रहे हैं बॉडी एरिया, ठीक है, तो क्लास ले लेंगे बॉडी एरिया। अब टेबल में हमें चाहिए नेम, तो नेम कहाँ पे है, किसके पास है, रिजल्ट के पास है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर रिजल्ट को रिप्लेस करना है, डबल कोट्स दिस एंड रिजल्ट, और इंडेक्सर हमारा होगा एक्स, और जो कॉलम नेम है वो है नेम, ऐसे ही कॉपी कर लो एज इट इज, यहाँ पे पिक, यहाँ पे स्टेटस, बाकी कुछ नहीं अभी करना। अब हम बटन बनाएंगे, अभी सर दिखाने के लिए अब कर रहे हैं काम, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन अभी करनी है हमें। तो जो भी डेटा आ रहा है हमारा वो इस डेटा वेरिएबल में है, अब इसको हमने शो करवाना कहाँ पर, इस एरिया में। सो वी विल बी इको द डेटा हेयर, इको दिस, सो लेट्स चेक दिस आउट। ये देखो टेस्ट, ओके डन, ये फोटो का नाम आ गया, ये स्टेटस आ गया उनका, ठीक है। अब डेटा तो शो हो गया, लेकिन ये इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, दूसरे फॉर्मेट में चाहिए, तो जो फोटो है उसको भी शो करवाना पड़ेगा। तो फोटो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पहले इमेज बना लेते हैं सिंपल से, एक पीडी लिया, उसमें एक इमेज बनाया, उसका सोर्स कुछ भी होगा, और उसमें एक क्लास लगानी है रिस्पॉन्सिव की, इमेज रिस्पॉन्सिव, एंड थोड़ी सी एक सेटिंग देनी है हमें, लेट्स से विड्थ, मैक्सिमम विड्थ, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, और मैक्सिमम हाइट हमारी हो जाएगी 80, ताकि एक
लॉजिकली हमारी जो इमेज है बहुत ज़्यादा बड़ी ना शो हो, क्योंकि यहाँ पे जगह कम होती है, ऐसे हमें छोटी सी इमेज शो करानी, और इसको हम काट के यहाँ पर लगाएंगे। लेकिन हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर सेव्ड है, अब ये दिखाते हैं आपको। यहाँ पर डेटा और कैटेगरी हमारा जो फोल्डर है उसमें सेव्ड है। सो यहाँ पर हम लगाएंगे डेटा स्लैश कैटेगरी स्लैश पिक नेम, तो पिक का नेम जो भी होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे इस कोड के साथ, जो रिजल्ट का डेटा एक्चुअल में है उसके साथ रिप्लेस कर लेंगे। सो वी विल बी एबल टू सी द इमेज, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टीडी है उसको रिमूव कर लिया, और रीलोड करके चेक कर लिया। देखो टेस्ट आ गया नाम, और ये फोटो शो होगी हमारी। अगर इसको और छोटा करना तो आप कर सकते हो, और सेंट्रलाइज करना तो वो भी आप सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ी सी लगाई जाए टेक्स्ट सेंटर, तो ये सेंट्रलाइज टेक्स्ट हो गया। और आ गया स्टेटस, स्टेटस वन का मतलब एक्टिव, और हम ज़ीरो का मतलब होगा डीएक्टिवेटेड, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा सा एक लॉजिक क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं स्टेटस, जो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी है, एंड इफ द रिजल्ट स्टेटस, जो हमारा रिजल्ट का स्टेटस है ये वाला, इसको कर लो कॉपी एज इट इज, डबल कोट्स नहीं चाहिए सर, इतना कॉपी कर लो। If this equals to 1, then the status will be active. Or else, अभी तो हमें सिर्फ 1-0 के साथ ही खेलना है, तो not active, या deactivated लगेगा, ठीक है। एक active है और एक deactivated हो गया हमारा, तो ये हमारे दो status है। अगर तो स्टेटस वन हुआ तो एक्टिव आ जाएगा, नहीं तो डीएक्टिवेटेड आ जाएगा। और इसमें हम कॉपी करके अब जो यहाँ पर वेरिएबल है इसको हम रिप्लेस कर लेंगे इस डेटा को सिर्फ, सो दैट वी कैन सी नॉट वन ना शो हो यहाँ पर, अभी इस टाइम पे वन आ रहा है, इसके जगह पे आ जाएगा एक्टिव, ये आ गया हमारा एक्टिव, तो ये हमारा स्टेटस भी शो हो गया। अब लास्ट हमें चाहिए तीन बटन बनाने हैं, एक हमारा होगा डिलीट का, एक हमारा होगा अपडेट का, और एक हमारा होगा ऐड का, तो तीनों बटन बना लेते हैं। सो लेट्स क्रिएट थ्री बटन, और बटन ही एक्चुअली में ये लिंक्स होंगे हमारे जो हमारा वेरिएबल कैरी करेंगे, बस इनको क्लास देंगे बटन वाली, जो बूटस्ट्रैप की क्लास होगी btn danger। सो यहाँ पर लिख देते हैं डिलीट, और इसको रिप्लेस करते हैं अपडेट में, यहाँ पर ले लेते हैं इन्फो, और यहाँ पर एड न्यूज है, इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं जैसे प्राइमरी में, चलो सक्सेस में कर लेते हैं, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप क्लासेस है, जैसे कलर बदलते हैं, अभी इसमें कोई हमने नहीं लगाना लिंक, तो नहीं लोड करते, चेक करते हैं क्या आता है हमें, तो दिस इज़ व्हाट वी गॉट। तो यहाँ पे हमारा नाम आ गया, पिक्चर आ गई है, स्टेटस आ गया, और डिलीट अपडेट और ऐड न्यूज़ के बटन हमारे आ गए। अब इसमें हमें काम करना पड़ेगा, आज सिर्फ हम इस ट्यूटोरियल में सिर्फ डिलीशन पे काम करेंगे, उसके बाद हम अपडेट और ऐड न्यूज़ पे काम करेंगे। दिस विल टेक टाइम, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू मेक अ वीडियो टू बिग, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता, इसलिए लॉजिक लगा रहा हूँ। और अब इसमें क्या करेंगे, जो व्यू कैटेगरी का हमारा पेज है उसको एक आईडी भेजेंगे, किसकी आईडी, जो हमारी कैटेगरी की आईडी होगी। सो लेट्स नेम इट एज कैट, कैट मीन्स कैटेगरी, सो कैटेगरी की आईडी क्या होगी, जो फिर से कॉपी कर लो एज इट इज, और यहाँ पर इसको नेम नहीं भेजना, हमें आईडी भेजनी है, तो यहाँ पे इसको आईडी कन्वर्ट कर लो। सो लेट्स चेक कि क्या आ रहा है, रीलोड कर लो, अब डिलीट पे क्लिक किया, आप देख सकते हो ऊपर यूआरएल में यहाँ पे कैट इज इक्वल टू 8, अगर दूसरे पे क्लिक किया कैट 7 आ गया, इस पर 6 आ गया। अब जो भी कैटेगरी आ रही है इसको फेच करके हमें डिलीशन लगाना है, तो डिलीशन ऊपर लगाना है, नीचे नहीं लगाना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कमेंट डिलीट क्वेरी, और यहाँ पर हम कहें फिच डेटा। अब डिलीट क्वेरी के लिए क्वेरी वेरिएबल बनाते हैं डेल इज अ डेटाबेस। अब इसमें हमने डायरेक्ट क्वेरी नहीं लगानी, थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम प्रिपेयर बाइंड और एग्जीक्यूट करेंगे, पहले प्रिपेयर करेंगे फिर बाइंड करेंगे फिर एग्जीक्यूट, ताकि कोई हमारा हैक ना कर सके। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स सपोज कैट आई डी बाय डिफॉल्ट नथिंग, एंड इफ इस अगर यू आर एल में जो कैट नाम का वेरिएबल है तो क्या करेंगे, हम कैटेगरी को फेच करेंगे, ठीक है, फेच कर लिया। अब हमें चलाएंगे, हम एक क्वेरी चलाएंगे,
डिलीट फ्रॉम टेबल कैटेगरी वेयर आई डी इज इक्वल टू द कैट आई डी, जो कैटेगरी आई डी होगी। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल नहीं लगाना इसमें हमें, क्योंकि प्रिपेयर लगाया तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैट आई डी, जो भी आप जैसे भी लिखना चाहो, और लिमिट लगा देंगे वन, ताकि एक ही वैल्यू डिलीट हो, एक से ज़्यादा डिलीशन ना हो। देन वी विल बी बाइंडिंग अ पैरामीटर हेयर, सो क्वेरी डेल बाइंड पैरामीटर एंड द पैरामीटर विल बी कैट आई डी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, कैट आई डी। ये वेरिएबल हो गया, जो ये वाला वेरिएबल है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये हमारी यहाँ पर बाइंड कर रही है, पैरामीटर यहाँ पर बाइंड करेगा, और ये हमारा होगा पी डी ओ परम इंट, ये पैरामीटर इंट पैराम इंटीजर पैरामीटर होगा, ठीक है। और लास्ट में हमें क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है और हमारी क्वेरी चल जाएगी, तो इसे हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा। सो लेट्स टेक, अगर हमने कोई गलती नहीं की यहाँ पे, हम फॉर द टाइमिंग कैटेगरी भी नहीं कर रहा हूँ। लेट्स टेक क्लिक, ये रिमूव हो गई, क्लिक ये भी रिमूव हो गई। अब इसको रिमूव नहीं करते एक शो करवाने के लिए, तो हमने दोनों रिमूव कर लिया। डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं, चेक कर सकते हो यहाँ पर डेटा हमारा गायब हो चुका। सो दिस इज़ द वे टू रिमूव अ पर्टिकुलर कैटेगरी फ्रॉम द डेटाबेस। तो जो हमने किया आपको समझ आ गया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, तो ये पूरे पार्ट्स देखें, सो दैट यू कैन मेक अ प्रॉपर वेबसाइट विद दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल सीरीज। थैंक यू वेरी मच। आई एम विश्व महोत्रा, हेड ऑफ पर्ल इंस्टीट्यूट बटाला। बाय बाय।